फ्रेंड्स, सुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दही बड़े। तो देख लीजिए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने दही ले ली है, ये हमने 250 ग्राम दही ली है। देखिए गाढ़ी गाढ़ी दही है हमारी है। तो इसमें हमने अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल दी है, और अब इसमें हम आधा चम्मच लहसुन डालेंगे पिसा हुआ। ये देखिए, और इसको अब मिक्स कर लेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने बेसन लिया है, अब हम पकौड़ी का बैटर तैयार करेंगे। ये हमने एक कटोरी बेसन लिया है, और देखिए जब तक हम ये पकौड़ी का अपना बैटर तैयार करते हैं, हम पैन लेते हैं और उसमें हम तेल डाल देते हैं, और तेल जब तक गर्म होगा तब हम अपनी पकौड़ी तलेंगे। बैटर तैयार कर लिया है, ना देखिए पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखिए ऐसा चाहिए हमें बैटर। और इसमें एक चुटकी हम सोडा डालेंगे, एक चुटकी हम, ये देखिए इसमें हम ये सोडा डालेंगे। बस एक ही चुटकी डालना है हमें। और अब इसे हम घोल के, और हमारा ये तेल देखिए ये गर्म हो रहा है। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम पकौड़ी तलेंगे फिर आप। तो देखिए हमारा ये तेल हो गया है। हमने थोड़ी सी ये पकौड़ी डाल के देखी थी, बैटर डाल के देखा था। तो अब हम एक एक करके ये देखिए तलेंगे हम ये, और ये हम सारी पकौड़ी तल लेंगे फिर आपको डाल दी है। और ये हमारी पकौड़ी हो रही है। अब इसको हम पकौड़ियों को पलट लेंगे। देखिए हम सारी पकौड़ियों को पलट लेंगे। पकौड़ी हो रही है, जब तक हम इसका पानी तैयार कर लेते हैं। हमने ये पानी ले लिया है, देखिए इतना लिया है जितना हम पकौड़ी डूब जाए। और इसमें थोड़ी सी ये देखिए हींग डाल देंगे, और इसमें एक चम्मच हम इसमें या आधा चम्मच नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना ताकि ये अब्जॉर्ब कर सके पकौड़ी नमक को। तो अब इसमें हम पकौड़ी डाल देंगे। ये देखिए हम इसमें पकौड़ी डाल देंगे सारी डाल दी है। और ये जब तक हमारी 2 मिनट के लिए गले रहने देंगे। बिल्कुल फूल गई है, इसमें से हल्का सा ऐसे डिप करेंगे, थोड़ा सा प्रेश करेंगे इसको, और ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे ऐसे करके ताकि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे सब। तो देखिए दोस्तों हमने सारी पकौड़ी इसमें डाल दी है। और देखिए एक चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो दोस्तों आप ऐसे बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं ये दही बड़े। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा हो गया है तैयार दही बड़े। अब इसमें हम भंगार देंगे। तो देखिए हमने वही पैन ले लिया है पकौड़ी का, और इसमें हमने थोड़ा सा तेल छोड़ा है। और अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे क्योंकि हमारा तेल गर्म है। थोड़ा सा हम ज़ीरा डालेंगे इसमें, और देखिए इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब ये होने देंगे ज़रा। तो देखिए ये हमारा हो गया भंगार तैयार। अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए हमने डाल दिया है इसमें भंगार। ये देखिए हमने इसमें धनिया भी डाल दिया है। और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, हम डिश आउट करके हम दिखा रहे हैं आपको। ये बनके तैयार हो गए हैं। और देखिए आप ऐसे बनाइए एक बार। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।